आज हम बनाएंगे आलू और परवल की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। तो सबसे पहले परवल को इस तरह से छील लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने छीला है, और फिर उसे इस तरह से काट लेना है। उसके बाद फिर आलू लेंगे और उसे छीलकर हम इस तरह से काट लेंगे। और काटने के बाद आलू और परवल को अच्छे से धो लेना है। और धोने के बाद आलू और परवल जो है दोनों को हम क्या करेंगे कि कुकर में डाल देंगे, क्योंकि सब्ज़ी हम कुकर में बना रहे हैं इसीलिए इसे हमें कुकर में डालना है। कुकर में सब्ज़ी जल्दी गल भी जाती है, टाइम का भी बचत है और गैस का भी। और फिर आलू और परवल दोनों कुकर में डाल लेने के बाद फिर इसमें हम लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। और लहसुन और प्याज का पेस्ट डालने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। और फिर इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर डालने के बाद फिर इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसलिए इसे हमें सरसों के तेल में बनाना है। और आप जो तेल यूज़ करते हैं उस तेल से बनाइए। और फिर इसमें हम भर के 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला कीजिए। और फिर इसे हमें क्या करना है कि अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें हम पानी भी ऐड कर दिए हैं। और पानी ऐड करने के बाद फिर इसे हम चढ़ा देते हैं गैस पर। और गैस पर चढ़ाने के बाद फिर जब ये अच्छे से उबल जाएगा तब इसको इसका जो कुकर का जो ढक्कन है हम बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से उबल रहा है। और अच्छे से उबलने के बाद कुकर का हम ढक्कन बंद करेंगे और इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। यहाँ पर 2 सीटी लग चुके हैं। उसके बाद फिर हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है तो आप इसे दोबारा से गैस पर चढ़ा के इसका पानी आप सुखा सकते हैं। देखिए इसका पानी हम कम कर देंगे गैस में चढ़ाने के बाद। और यहाँ पर आप इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है। और फिर देखिए परवल की सब्ज़ी बन के रेडी है।